छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम मौजूद हैं। भूपेश बघेल, सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, क्या रही उपलब्धियां, क्या रही खामियां, इसी पर हो रही है चर्चा। तो अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 खास मेहमानों को मंच पर बुलाऊंगी। बहुत ही खास हैं ये मेहमान। बघेल सरकार में उद्योग मंत्री कवासी लखमा जी हैं, जो कि बस्तर के मोदी कहे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनकी लोकप्रियता कितनी है कि बस्तर में लोग इनको मोदी मानते हैं, बस्तर के, और झीरम घाटी हमले के ये गवाह रहे हैं। तो अब इनसे जानेंगे कि सत्ता पक्ष जो दावे कर रहा है कि हमने तो ये काम किया, वो काम किया, इतना शानदार, क्या विपक्ष उसको मानने के लिए तैयार है? और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर जो हैं, आक्रामक, सबसे आक्रामक ट्राइबल नेता हैं डॉक्टर नंद कुमार साय जी, वो उनका सामना करेंगे। जो दावे वो करेंगे उसका क्या विरोध नंद कुमार साय जी करेंगे, इसका हमें इंतजार रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे हैं साय जी। तो मैं दोनों ही मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगी और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोनों ही मेहमानों का। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस शिखर सम्मेलन में, इस मंच पर। और लखमा साहब, सबसे पहले तो जैसा कि मेरी सहयोगी शोभना ने परिचय में आपके कहा कि बस्तर इलाके में आपको लोग मोदी भी कहते हैं, मतलब आपकी जो लोकप्रियता ऐसी है कि वहां पर राहुल गांधी और मोदी जी पहुंचे तो उनसे ज्यादा तालियां आप बटोर लेते हैं, तो आपको मोदी जी कहलवाना पसंद है ज्यादा कि राहुल गांधी? आज आपके न्यूज में आने के पहले, आने के बाद आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मोदी बनना तो मेरा पसंद करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पेकता है पेकता है पेकता है, झूठ बोलता अच्छा। है दूर पेकता है, इसलिए हमारा देश में पहला बार पेकू प्रधानमंत्री बना है। ये 15 लाख देंगे बोले, 2 करोड़ लोग ने देंगे नौकरी देंगे बोले, पूरा देश का संपत्ति को बेच रहा है, ऐसा नाम लेना, हमको पहले देश है, हमारा संपत्ति है, इसलिए मोदी लेना अच्छा नहीं है। राहुल गांधी, राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार का विचारधारा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नंद कुमार साय जी, उस इलाके में बस्तर में लोग लोकप्रियता के मामले में मोदी जी की तरह इन्हें मानते हैं ये, लेकिन कहलवाना पसंद नहीं कर रहे हैं कि मुझे कोई मोदी ना कहें? देखिए, ये जिस दल को बिलोंग करते हैं उसको प्रोटेक्ट करें, इनका धर्म है, वो सही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि मोदी जी, इनकी लोकप्रियता जो है मोदी जी की तरह है, ये बात को ये देखिए, ये भी कह रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप मानने को राजी नहीं आप लेकिन देखिए, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो तो अब तक कोई नहीं किया। आपको मैं बता दूं, अपना इस क्षेत्र के लिए भी और भी देश के लिए जो बड़े बड़े हमारे एजेंडे थे पहले, भारतीय जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का जी, उसको उन्होंने लगभग बहुत सारे कामों को पूरा कर दिया। उन्होंने पहला काम था, इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए कि जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, ये काम पूरा हुआ, इस सरकार ने किया। एक काम और था कि कश्मीर में बड़ी समस्या थी, रोज झगड़े होते थे, रोज वहाँ कोई जा नहीं पाता था। मैं कमीशन में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में चेयरपर्सन था, सारे हिंदुस्तान को घूमा लेकिन वहाँ हम कश्मीर नहीं जा पाए आर्टिकल 370 के कारण, वो समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने और देश का अभिन्न अंग बना दिया। और इसी तरह से नहीं, देश का अभिन्न अंग तो पहले से ही था, हाँ, लेकिन बाधाएं तो थी ना, उसको हटा दिया जी। और उसके बाद में CAA पर एक कानून बनाना चाहिए था, लंबे समय तक मैं पार्लियामेंट में था, कई बार प्रस्ताव आए, कई चर्चा हुए, लेकिन वो भी नहीं हुआ था, उन्होंने बना दिया। मतलब इतना काम हो गया है कि अगला चुनाव छत्तीसगढ़ में अगर हो जाए तो आप लोग जीत जाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी जी। अगला चुनाव अगर आप लोग लड़ेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ में, बीजेपी तो जीत जाएगी, इतना काम हो गया है? नहीं, चुनाव जीतना अलग बात है,
वो कुछ काम अलग होता है। अच्छा, मतलब वो चुनाव चुनाव के एजेंडे अलग होंगे। अच्छा। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद, क्योंकि यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट तो हमारी नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस बैठी है, और इसलिए वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन जो जो काम केंद्रीय अनुसूची में है जी, उस दृष्टि से सहयोग केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। ठीक है, उस पर आता हूँ। उससे पहले कवासी लखमा साहब, आपसे समझना चाहूंगा, आपकी सरकार ने, चूंकि आप दोनों ही जो मंच पर मौजूद हैं, अपने दर्शकों के लिए भी मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के दोनों सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, फायर ब्रांड नेता के तौर पर दोनों की पहचान है, आप लोगों ने ऐसा क्या काम किया कवासी लखमा साहब, खासतौर पर ट्राइबल्स के लिए, कि आपको लगता है कि वो उपलब्धि के तौर पर आप कह सकते हैं जनता को? मैं सबसे पहले राहुल गांधी को बधाई देता हूं, हमारा मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि बस्तर में राहुल गांधी आया था चुनाव दौरान, वहां पर लोंडीगुड़ा करके चित्रकूट है, वो टाटा के लिए जमीन दिया हुआ था, आदिवासी का उपजाऊ जमीन था, हम लोग भी वहां के लोग भी चाहते थे अगर टाटा को जमीन दिया है तो टाटा लगना चाहिए, हर रोजगार मिले। लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद ना टाटा लगा, न वहां के लोगों को रोजगार मिला, वो जमीन को छीन लिया, ना धान कमाने पाते थे, धान बेच पाते थे, जमीन तो टाटा के पास थी। राहुल गांधी जी आके बोला कि अगर कांग्रेस का सरकार बनेगा सबसे पहले लोंडीगुड़ा का जमीन वापस किया जाएगा, सबसे पहले हमारा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बना, और राहुल गांधी दिल्ली से दौड़ के आके उस जमीन को वापस कर दिया है, लोंडीगुड़ा का जमीन को। ये पहला मुद्दा आदिवासी के लिए हुआ है, हिंदुस्तान का पहला मामला होगा। हाँ। किसी कंपनी हिंदुस्तान का, आज तो अडानी दूसरे लोग बड़े हो गए, इस देश का सबसे बड़ा कंपनी है टाटा, और टाटा जो लिया वाला जमीन को वापस करने वाला काम किया वाला हमारा सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी को जिम्मा दिया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ और राहुल गांधी को बधाई देता हूँ। ये एक काम, इसके अलावा कुछ और काम? आज हमारे आदिवासी एरिया में, जब पिछड़े एरिया करके डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में इपे गवर्नमेंट था, वहां पर विकास के लिए हर जिला को अपेय मत करके 30 करोड़ रुपया देते रहे, खाली हमारे बस्तर को नहीं, ट्राइबल जिला जहां जा, कम्मा हो चाहे उड़ीसा का कोरापुट हो, मलकानगिड़ी हो, तो सामान्य क्षेत्र में जो बराबर करना है, इसलिए वो विकास सड़क रोड बने, इसलिए वो 30-30 करोड़ रुपया हर साल मिलता था, डीआरजेब का मत पैसा, डीआरजेब बोल के जिला पंचायत को पैसा मिलता था, बीआरजेब डीआरजेब शिक्षा मिशन मनारे मोदी साहब, जब से 7.5 साल हुआ बस्तर को ट्राइबल जिला को 7 रुपया नहीं मिला, 7 रुपया, 30 करोड़ रुपया मिलता था। जवाब देंगे नंद कुमार साय जी। और स्कूल पूरा बंद हो चुका था, जयगुरगोंडा में बहुत बड़ा एक एरिया है, हाई स्कूल था, आसरा में थे, पूरा आश्रम स्कूल को 3000 स्कूल को 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया था। आज जहां जहां आश्रम है, जहां जहां स्कूल है, जवाब दीजिए नंद कुमार साय जी, आप भी फायर ब्रांड नेता हैं आदिवासियों के, कितने आरोप लगा दिए उन्होंने आप पर? नहीं, बहुत आरोप लगाए हैं, और वो कह रहे हैं कि पैसा बहुत दिया गया है यहाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, पैसा बहुत पहले से दिए जाते रहे और लोगों ने भी दिया है, पहुंचा कितना है? राजीव गांधी बोलते थे कि यहाँ से हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 रुपया भी मुश्किल से नहीं पहुंचता है, खाली पैसा अलॉट करने से नहीं होगा, जमीन पर कितना उतरा, कितना काम हुआ है वहाँ, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। गिनवा तो रहे हैं जमीन पर कितना काम हुआ? हाँ, कहीं हुआ नहीं, जाकर के आप देख लीजिए, मतलब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पैसा अलॉट हुआ है, जमीन पर पहुंचता नहीं है, बीच में कौन लोग हैं जो उस पैसे को इधर से उधर कर देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन लोग हैं कवासी जी? उस पैसा समय पहुंचता नहीं है, जो 30 करोड़ रुपया आता था डीआरजे बीआरजे पैसा आता रहा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये काली स्लिप लिफ्ट बना रहे थे, बिल्डिंग से बना रहे थे, मैं एक डीएफ हमारे सुकमा में स्विमिंग पूल बना रहे थे, मैं पाठा हूं, उस पैसा को बंदरबाट किया है। अभी जो माननीय भूपेश बघेल का सरकार आया, हमारा बस्तर में यहाँ 4 संभाग होता है,
बस्तर संभाग पहला, उसके बाद दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, तुम्हारा बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग, सबसे अगर सड़क कहीं अच्छा बना है तो राय जगदलपुर में। लेकिन इतने काम आपने किए, आपके मंत्रालय का एक बड़ा काम जो है वही आपने नहीं किया, पर आरोप लग रहा है, आबकारी मंत्री भी आप हैं, आप लोगों के घोषणा पत्र में शराबबंदी का जिक्र था, वो मतलब उसके बारे में बाद में बताएंगे। नहीं अभी बताइए ना सर, फिर समय जितना मिले ना, जितना रोड बनाए सरगुजा माननीय नंद कुमार साहब को मैं समन करता हूं, इसके रायगढ़ जिला में कितना रोड खराब है, हमारा बस्तर में का जाके देखे, चाहे भोपालपट्टनम हो चाहे कोंटा हो, मैं उनसे पूछता हूँ, उस पर मैं आता हूँ सड़कों वाली बात पे, लेकिन शराबबंदी वाले पर क्या जवाब है आपके पास? हमारा अभी यहाँ पर मौजूद थे रमन सिंह, वो भी कह के गए घर घर शराब की डिलीवरी है। आज हमारे घोषणा पत्र में हम लोग दारू बंद करने की बात किया है, आज हम उस बात के लिए कायम है, क्योंकि दारू बंद करने के लिए हमारा मुख्यमंत्री हमारा पार्टी मैदान में बोला है, घोषणा पत्र में भी लिखा, और मुख्यमंत्री विधानसभा में बार बार बोल रहा है कि ये दारू बंद करना हमारा पहला प्राथमिकता है। तीन साल हो गए, पहला प्राथमिकता है। हाँ। लेकिन ये दारू किसान से जुड़ा हुआ मामला है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, तुम्हारा जो लेबर से जुड़ा हुआ मामला है, चार मतलब सात राज्य से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, ये चार राज्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग विधायक दल के हर राजनीतिक कब तक बंद कर देंगे? राजनीतिक दल के लोगों को समिति बनाया है। अच्छा। हमारे वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को उसको चेयरमैन बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम लोग आज तक तुम चुनाव दो या पार्टी तरफ से भी प्रतिनिधि दो और चुने हुए एमएलए को भी प्रतिनिधि दो, अभी तक नहीं दे रहे हैं, खाली टीवी में पेपर में बोल रहे हैं। बताइए नंद कुमार साहब, सिर्फ आप लोग टीवी में बोलते हैं, हमारा पेपर में खबरें छपाते हैं, वो कह रहे हैं गंभीर है। हाँ। इसको हम लोग जल्दी कोशिश अच्छा, करेंगे। एक बात बताइए नंद कुमार साहब जी, पिछले 50 साल से शायद आपने नमक नहीं खाया है, क्यों, क्या वजह क्या है? वजह ये है जिस विषय की अभी चर्चा हो रही है। हाँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था 70 के दशक की बात है, पहले तो शराब के खिलाफ में मैंने बड़ा बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़े बहुत जगह अवैध, उस समय चुलाई भट्टी चलती थी गांव गांव में, और परचून की दुकानें अलग अलग जगहों में, कहीं मंदिर के पिछवाड़े में, कहीं बगीचे के किनारे, कहीं स्कूल के बगल में बेचते थे, उसका मैंने कड़ा विरोध किया था। मेरे खिलाफ 1000 केस हो गया था, उसमें रोज 4-5 केस होते थे। तो उस समय एक जगह हमारे ही लोगों ने जो शराब बेचने वालों के द्वारा सिखाए गए थे जी, उन्हीं लोगों ने कहा कि भाई तुम हम शराब बंद करवाना चाहते हो, लेकिन ये शराब तो हमारे लिए वैसे ही जरूरी है जैसे लोगों को खाने में नमक जरूरी, इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये भट्टी वालों ने समझाया था। तो मैं बोला नमक और शराब का कहाँ मेल है, इसको क्यों जबरदस्ती जोड़ रहे? तो बोले नहीं, हमारे लिए तो उतना ही जरूरी है शराब जितनी नमक जरूरी है, तुम क्या नमक छोड़ सकते हो? 23 सितंबर 1970 की बात है, तब से आपने नमक छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि आप शराब छोड़ दो, मैं आज से नमक छोड़ता हूँ। अच्छा, उसी दिन से मैंने नमक छोड़ा। आप अपनी ही सरकार में अपने लोगों को ये बात नहीं समझा पाए जी? अपनी ही सरकार में अपने लोगों को ये बात नहीं समझा पाए? नहीं, सरकार में लोगों को समझाना मुश्किल है, हम ट्राइबल को नहीं समझा पाए हैं। और ये सरकार से हम बहुत उम्मीद करते थे, उन्होंने कहा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार से शायद उम्मीद नहीं थी क्या आपको? जी उनसे तो बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या अपनी ही सरकार से उम्मीद नहीं? इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हम बंद कर देंगे पूरा। तो आपने क्यों नहीं कहा, घोषणा पत्र में कह देते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं बंद हो? मैं चाहता हूं पूरा बंद हो, इसीलिए तो मैंने नमक छोड़ा। तो आपने घोषणा पत्र में भी नहीं किया रखा ना इसे? घोषणा पत्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है जी, ये महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, किसने उसको इम्प्लीमेंट किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। घोषणा पत्र में बहुत सारे विषय रखते हैं, इसलिए इन्होंने नंबर एक में शराबबंदी का बात कहा था जी, और अब कह रहे हैं वो घर घर ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। तो कैसे कैसे रुकेगा, वक्त नहीं है ज्यादा, आखिर में अगर आप जवाब देना चाहिए, कुछ डेडलाइन है कुछ आप बता सकते हैं कि कब? आज इसके बारे में हमारे बिहार में शराबबंदी हुआ है, हुआ 3 लाख लोग अब अंदर है, हम लोग सारे पहले को देख रहे हैं, ये आदिवासी को कितना नुकसान होगा, गरीब लोगों को कितना नुकसान होगा, बड़े लोग हमारे आंध्र प्रदेश में एक बार वहां का प्रधान मुख्यमंत्री ने दारू बंद किया था। मतलब आपके कहने का मतलब व्यवहारिक फैसला नहीं है, ये व्यवहारिकता में इसे आप नहीं उतार सकते, घोषणा पत्र में हमने लिख दिया वो एक अलग बात। आप उसको लगातार
मीटिंग कर रहे हैं, किस प्रकार हम लोग चारों तरफ से राजे गिरे हुए हैं, इनको कैसा रोका जाए, इनके बदला हम लोग अन्य काम कैसा लगा जाए, इनको हम हमारा पार्टी हमारा सरकार प्रतिबद्ध है। अब हम विचार कर रहे हैं जल्दी होने वाला। मुझे ऐसा लगता है जब इनकी सरकार का एक दिन बाकी रहेगा उसी दिन ये बंद कर देंगे। हाँ, उसके पहले ये नहीं करेंगे। हाँ, उस एक दिन का ये इंतजार कर रहे हैं। एक ही दिन आखिरी रहेगा ना। हाँ, उस दिन बोले आज हमने बंद कर दिया। अच्छा, आप हम संस्कृत के श्लोक वगैरह भी आप बहुत सुनाते हैं, पढ़ते हैं, हमने सुना है, कुछ दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे आप? अरे ABP News आपको रखे आगे।